हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो जतन लामसोग खुलुमखा यानी पहला वीडियो। तो आज मेरा जो पहला वीडियो है, मैंने डिसाइड किया है कि कुछ मेरा खुद ट्रेडिशनल कुछ लाइफस्टाइल का दिखाओ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गायरिंग विजिट करूँ फर्स्ट वीडियो पे और मैं कुछ दिखाऊँ आप लोगों को। और आज लगभग 9 बज रहे और रास्ते पे मेरे भैया फ्रेंड्स सब लोग वेट कर रहे। तो आई होप आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मैं भी खुद खुद ट्राई करूँगा कुछ नया दिखाने को आप लोगों को। और वीडियो लास्ट तक देख लेना, अच्छा लगे तो स्टे कनेक्टेड विद मी। तो गाइस, हम अभी लाइकों पे पहुंच चुके हैं। एक विलेज है, आप लोगों वीडियो पे देखा होगा, मतलब विलेज बहुत ही सुंदर है और फुल विलेज एकदम फूलों से सजा हुआ है। तो यहाँ से मतलब और भी लोग जाएंगे और दो इंक्लूड होंगे, पहले तो हम 5 थे, अभी और दो इंक्लूड होंगे। तो ये वीडियो मतलब एंड जब होगा तो मतलब इस गाँव से ही एंड हो जाएगा। तो बाद में दिखाएंगे मतलब फॉरेस्ट में कैसा लाइफ स्टाइल कैसा है। और मैंने जो कहा था भैया सुदीप ब्रो, और गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहना, देखो क्या होते हैं आज, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक छोटा 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 घर रहता है, वो भी देखेंगे फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो गाइस, हम अभी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो और आज बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो चल दिए, सबके साथ बातें करेंगे अभी एक एक करके। तो अभी रास्ते में जा रहे हैं तो ये सब है मेंबर्स, ये एक और ये दो। तो गाइस, रास्ता बहुत ही ऊंचा है और इसीलिए बहुत ही पसीना भी आ रहा है अभी। तो सुना है कि रास्ता 1 किलोमीटर का है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस, ये हम बोलते हैं जूम कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। हम देख सकते हैं नज़ारा ऐसे। सामने और भी होगा ऐसा नज़ारा देखने को, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है।
तो गाइस अभी आज तो पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड का फील आ रहा है भैया, बोलो हाफ द जोश। ये नज़ारा तो हमने आज पहली बार देखा लाइफ में। मैं तो गया एकदम से, पहली बार आया हुआ इतना ऊंचाई। लेकिन अभी भी हम लोग जिस जगह पे जाने वाले हैं वहाँ तो नहीं पहुँचे, बहुत एक्साइटेड है और भी क्या देखने वाले हैं आज, तो आप लोग भी बने रहें। और साथ ही साथ आज का जो मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो दिखाई देगा वो है, बोल सकते हैं वाटरमेलन और क्या बोलते हैं इसको, कुकुम्बर, या कुकुम्बर और राइस वगैरह ऐसा कुछ दिखने के लिए मिलेगा आपको। हाँ, भुट्टा, और साथ ही साथ भुट्टा खाएंगे जाके, मतलब वो जो और सबसे स्पेशली जो मज़ा आने वाला है वो है, मतलब हम कॉकब्रोक में क्या बोलते हैं इसको भैया, वो घर के जैसा होता है ना, गायरेंग, गायरेंग, या गायरेंग है। एक बात बताओ, मतलब आज पहली बार हम ऐसे विलेज पे आए हैं, मतलब ऐसी जगह पे आए हैं, और हम जो विलेज में रहते हैं उस जगह पे तो ऐसा कल्टीवेशन नहीं होता है, तो इसीलिए मतलब जो हमारा एक शर्म की बात बोल सकते हैं, मतलब मुझे मेरा खुद ट्राइबल का जो हट होता है, हट हाउस, उसका नाम भी मुझे नहीं पता ठीक से, और मतलब पता है, मतलब ऐसे यूजली हम यूज़ नहीं करते इससे, तो इसीलिए भूल जाते हैं कई बार, तो इसको गाइस गायरिंग बोलते हैं, गायरिंग। और साथ ही साथ रंगलोंग लैंग्वेज में इसे इंचू भी कहते हैं, और भी मज़ा आएगा भाई। और साथ ही साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज़, हमारे पास म्यूजिक भी है। वाओ, व्हाट द नजारा। दो दिन अच्छा हो सकते हैं भाई। यस, दैट्स द डेस्टिनेशन, हम फाइनली पहुंच चुके हैं बहुत मेहनत के बाद। हिंदी कहा हूँ भाई, मो आसिद मो यहाँ पे दो रास्ता दिखाई दे रहा है, एक वाटर से और बेम्बू से, तो मैं डिसाइड किया है कि मैं बेम्बू से जाऊँगा भाई, रास्ता मैं इधर से जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड का एडवेंचर वाला फील करना है मुझे भाई। आ जाओ मेरे पीछे, ओ भाई संभाल के, गाइस भाई मुझे भी सेल्फी में लाओ भाई। ये भाई आ रहा है, संभाल के आइयो भाई, संभाल के, इतना मेंशन नहीं करना पड़ेगा। तो और भी मज़ा आएगा, तो सामने मैंने दिखाई, मतलब आप लोगों को दिखाया है कि मतलब जो हम इंचू बोलते हैं रंगलोंग चौंग पे, रंगलोंग लैंग्वेज पे, तो यहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी पूरा व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, और बहुत ही बहुत बहुत ही मज़ा है भाई, आज पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, तो बहुत मज़ा आया।
ये आप देख सकते हैं बनाना लिप्स, हम अभी पत्ता कलेक्ट कर रहे हैं, तो और भी दिखाऊंगा। और सामने दीदी अच्छा अच्छा ले सिलेक्ट करके ले रहा है, और ये हमने ले लिया एक, और भी लेंगे। दादा टेस्ट बुखाएं खा, टेस्ट टेस्ट तो आप सब लोग देख सकते हैं इस आंटी का ये सब पूरा बागान उसका है, तो कुछ भी जो भी हो, तो आप आंटी बहुत ही मेहनत कर रहा है इसके लिए। और यहाँ पे हम खाना पकाएंगे अभी, खाना। और ये रहा हमारा चिकन, और ये तो बेम्बो का जो सॉरी बेम्बो का नहीं, क्या बोलते हैं इसका, बनाना स्टेम, या बनाना स्टेम। तो बनाना स्टेम को मतलब काट के, नॉट ईटेबल्स बनाना, वाइल्ड बनाना फ्रॉम जंगल, वाइल्ड बनाना वो भी प्योर वाला। तो गाइस सबने यहाँ पे रेडी कर लिया है, या ये ब्लैक जब होगा तब सब चाहेंगे कि ये मतलब पक गया है पूरा। तो हेलो गाइस, हम अभी लंच करेंगे, खाना तैयार हो चुका है, तो मैं जाके ज्वाइन करता हूँ अभी। हे गाइस, तो मैंने जैसे कहा था कि मेरे वीडियो उस गांव से एंड हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, कुछ इशू क्रिएट हो गया था, और इसीलिए वीडियो वहाँ पे ही एंड करना पड़ा। और अभी यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके लिए, और आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि वहाँ पे कुछ इशू हो गया था। और आई विश ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और आप लोगों के साथ जल्दी मिलेंगे और एक नया कंटेंट के साथ और एक नया वीडियो पे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।